गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के नामांकन के पहले दिन 14 उम्मीदवारों ने आयुक्त न्यायालय में पहुंचकर पर्चा लिया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के लिए नामांकन शुरू हो गया है, जिसमें 14 प्रत्याशियों ने पर्चा लिया है, जो कि 12 जनवरी के बीच पर्चे को भरकर कभी भी नामांकन कर सकते हैं। कोई भी उम्मीदवार 11 बजे से 3 बजे तक आयुक्त न्यायालय में आकर नामांकन कर सकता है। 13 जनवरी को पर्चों की जाँच होगी, 16 जनवरी तक नामांकन पर्चों की वापसी होगी और 30 जनवरी को 17 जनपदों के 321 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा और 2 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रत्याशी गोविंद उपाध्याय एवं एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, उस गेट से ही आएंगे सर, यहाँ पे लगा दिया गया पोस्ट पर्याप्त लगा है। हमने अपना स्थान लिया कर दिया है, नागिर साहब जी उतारी हम लोग आपसे हेलो बाहर का देखा बनाना पड़ेगा। हाँ कोविड का तो वैसे कलेक्ट्रेट में तमाम वकील साहबान ये भरने का काम करते हैं, तो आप उनके पास चले जाएँ तो करवा देंगे। वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाकर तो इसमें तो था अपने मेंशन में क्या कर दिया। हाँ लीजिए लीजिए आप पार्टी के तो भूल जाएगा सब अधिवक्ता लोग हैं, हम लोग का कार्डवा देख लीजिए होता है।
कहाँ से? वहाँ इलेक्शन दफ्तर से, इलेक्शन दफ्तर से। नहीं तो ऐसा है, देखिए क्या सब अपने अपने सर पैसा लेकर के लिए। हाँ तो वो तो ओनली मिल जाएगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोविंद उपाध्याय, मेरा सबसे प्रमुख मुद्दा है कि अधिवक्ता निर्वाचन क्षेत्र लागू होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक वर्ग के अलग से मलसी जाते हैं, कला संगीत से भी मलसी भेजे जाते हैं, लेकिन हमारे अधिवक्ता समाज से अभी तक कोई मलसी नहीं भेजा जाता है। तो यही मेरा प्रमुख मुद्दा है, और जब तक मैं ये बात को जान रहा हूँ कि जब तक हम लोग सिस्टम में आएंगे तब तक ये बदलाव होगा नहीं। इसी बदलाव को, इसी चीज़ को लेकर, इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ, और यहाँ माननीय आयुक्त महोदय के न्यायालय में और कार्यालय में और परिसर में मजिस्ट्रेट के रूप में हम लोग तैनात हैं, जो गोरखपुर के मजिस्ट्रेट लोग हैं। आज 5 जनवरी है और आज प्रातः 11 बजे से गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन 2023 के नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। ये 12 तक होगी। कोई भी व्यक्ति आज से अपना पर्चा ले सकेगा, जिसको नामांकन प्रपत्र या बोलचाल की भाषा में पर्चा कहते हैं, और उसको पूरी तरह से भर करके और यहाँ वो जमा कर सकता है प्रत्येक दिन 11 बजे से 3 बजे के बीच। तो ये 5 से 12 तक नामांकन की प्रक्रिया है। 13 तारीख को इसकी स्क्रूटनी होगी, 16 तक नाम वापसी हो सकती है उसके बाद, और 30 तारीख को, 30 जनवरी को पूरे 17 जनपदों के 321 मतदान केंद्रों पर, मध्य बूथों पर ये मतगणना मतदान होगा। 2 फरवरी को होगी।